खबर यह है कि अतीक की वसूली को लेकर एक अहम खुलासा हुआ है। बिल्डर्स से चुनाव लड़ने को लेकर टैक्स लिया करता था अतीक अहमद। चुनाव लड़ने पर जारी होती थी टैक्स वसूली पर्ची और उस पर्ची में सभी के हिसाब किताब जो हैं वो दिए जाते थे। गुलाबी पर्ची 3 से 5 लाख रुपए तक का रेट जो है वो यहां हुआ करता था। सफेद पर्ची 5 लाख से ज्यादा वसूली रेट था। तो अतीक की वसूली को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए। अरविंद, एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं, ये पर्ची कहां से निकल कर आई जिसमें वसूली की बात की गई है? क्योंकि पर्ची आज तक पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, 3 से 5 लाख रुपए। नहीं बिल्कुल, देखिए 3 से 5 लाख रुपए, और देखिए लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं, खासतौर से अतीक और अशरफ के हत्याकांड के बाद पुलिस की कस्टडी में मारा गया, लेकिन इस तरह की दुश्मनी उसने पाल रखी थी। व्यापारियों को धमकाना, कोई भी व्यापारी अगर इलेक्शन आता था तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रयागराज का कोई व्यापारी वो चुनावी टैक्स न दे। देखिए गुलाबी ये जो पर्ची आज तक के स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, 3 से 5 लाख रुपए रेट हुआ करता था, और जब इलेक्शन आता था तो बकायदा ये पर्चियां बांट दी जाती थी, और महाराष्ट्र का जो बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसमें बकायदा पैसे जमा किए जाते थे, और जो चेक से और कैश से जमा किए जाते थे उसका भी जो दस्तावेज है वो आज तक के पास मौजूद है। तो गुलाबी टैक्स यानी गुलाबी पर्ची से जो अतीक अहमद है उसको टैक्स दिया जाता था। अब बड़ा सवाल यही है, अतीक के सियासी कनेक्शन भी थे, वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से भी एसोसिएटेड, समाजवादी पार्टी से खास तौर से एसोसिएटेड था। तो सवाल यही है कि सियासत में जब माफिया घुसता है तो कैसे वो बड़ा बड़ा दहशत फैलाता है, वो इसका जीता जागता नमूना है कि बकायदा वो माफिया तो था ही, लेकिन जब सियासत में वो दाखिल हुआ तो इलेक्शन लड़ने के लिए किस तरीके से वो बकायदा चुनावी टैक्स लेता था बड़े बड़े व्यापारियों से, ये उसका सबूत है। गुलाबी पर्ची, गुलाबी पर्ची के जरिए छोटे व्यापारियों से 3 लाख, बड़े व्यापारियों से 5 लाख ये मांगे जाते थे, और कितने व्यापारी होंगे प्रयागराज में आप ये समझ लीजिए। तो ये अतीक की गुंडई और माफियागिरी का जीता जागता सबूत है। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसके अकाउंट की भी डिटेल खंगाली जा रही है, लेकिन ये बताता है कि किस तरीके से इलेक्शन लड़ने के लिए भी वो अपनी माफियागिरी का इस्तेमाल करता था, लोगों से चुनावी टैक्स वसूलता था, उसके जरिए वो सियासत में अपना पांव उसने मजबूत किया था। जी आपने महत्वपूर्ण बात बताई, यहां से क्या मुश्किलें हम बढ़ती देखते जा रहे हैं परिवार को लेकर, क्योंकि शाइस्ता परवीन को लेकर भी खबर आ रही है कि उनकी तलाश जारी है, जो बेटा अंदर है अली उसको लेकर अभी ये मामला किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, और अतीक और असद के अशरफ के जो हत्याकांड हुई थी उसको लेकर भी क्या कोई अपडेट आई है? नहीं देखिए बिल्कुल, अतीक और अशरफ हत्याकांड, देखिए मैं आपको फिर करा, अगर आप चैट्स देखें तो जाहिर सी बात है मोहम्मद मुस्लिम भी एक विक्टिम ही है अतीक का, और लगातार पैसे की वसूली कर रहा था। तो अतीक और अशरफ की हत्या में प्रॉपर्टी एंगल पर भी जांच चल रही है, उसके अलावा ईडी ने कुछ लोगों को बुलाया था गवाही देने के लिए अतीक के खिलाफ, उनको भी डर था अतीक से। तो अतीक से किनको डर था, किनको जान का खतरा था, उनकी भी लिस्ट बनाई गई है, और यहाँ तक कि अतीक का जो करीबी रहे हैं, अतीक का साढ़ू, वो भी उसका दुश्मन बन गया था। तो अतीक के कितने दुश्मन है उनकी लिस्ट प्रयागराज पुलिस ने बनाई है। कहीं उन्होंने सुपारी किलिंग तो नहीं करा दी शूटर्स को लेकर? अगर आप देखिए तो बकायदा जो गोली मार रहा है एक शूटर, पैरों की मूवमेंट्स अगर आप देखें आगे पीछे होकर, अमूमन प्रोफेशनल शूटर जो है वो इस तरह से गोलियां मारते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें गहरी साजिश नजर आती है अतीक और अशरफ को रास्ते से हटाने की, और कहीं ना कहीं उनके दुश्मनों का और प्रॉपर्टी एंगल है, उस एंगल पर जांच की जा रही है शुभांकर। ठीक है, अब जरा एक बार फिर हम चाहेंगे कि अरविंद ये जो पर्ची हम दिखा रहे हैं इस पर्ची की कहानी थोड़ा आप बताइए। तो इसको ये टैक्स काटता कौन था, क्या इनके बेटे ही इस पूरे मामले को अंजाम दिया करते थे, या गुड्डू मुस्लिम या किसी और को उन्होंने हायर कर रखा था जो ये पूरा खाता वही मेंटेन करता था? क्योंकि अतीक ने जो बयान आपने सुनाया जहां पर लिखा था कि मेरे बेटे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, वो यही काम करेंगे, तो इतने सारे बेटे थे वो यही काम करते थे या फिर कुछ अलग लोग थे जो ये करते थे? क्योंकि ये पर्चियां हम दिख रहे हैं, पीली गुलाबी पर्ची है, सफेद पर्ची है। नहीं देखिए आप अपने उमेश पाल हत्याकांड का वो सीसीटीवी तो देखा ही होगा, जिसमें बकायदा असद जो है वो किस तरीके से टारगेट करके गोली मार रहा है, चेस करके गोली मार रहा है।
तो बेटों को तो ट्रेंड इसी तरह से किया गया था और उमर ने तो सरेंडर किया था, वो सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत से फरार हो गया था, फाइनली दबाव में उसने सरेंडर किया था। तो बेटों के अलावा अतीक के काफी गुर्गे, काफी शूटर, जब दबदबा चलता था तब काफी शूटर उसके पास काफी लोग थे। वो तो जब सरकारें बदली तो एक के बाद एक शिकंजा कसा गया उसके गुर्गों के ऊपर, 100 से ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार हुए, प्रॉपर्टी सीज हुई। लेकिन जब गुर्गे थे और अभी भी कई गुर्गे हैं जो अंडरग्राउंड है, गुड्डू मुस्लिम हुआ, गुड्डू मुस्लिम अतीक गैंग को लीड करता था अतीक और अशरफ के जेल में जाने के बाद, उसके तमाम जो बेटे हैं वो, और जब चुनाव आता था खासतौर से इलेक्शन, तब बकायदा पर्चियां बांटी जाती थी प्रयागराज में, जो बड़े बिजनेसमैन होते थे बकायदा लिस्ट बनाई गई थी, उनको गुलाबी पर्ची बांटी जाती थी कि आपको 3 लाख देना है, आपको 5 लाख देखना है, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो उसको पैसा देना ही देना है। तो ये गुंडा टैक्स, चुनावी टैक्स हुआ करता था जो गुलाबी पर्ची के जरिए। हमारे पास बकायदा कुछ जो जिन लोगों ने पैसे दिए थे 3 लाख 5 लाख, वो पर्चियां भी मौजूद है और उन्हीं गुंडई माफियागिरी के चुनावी टैक्स गुलाबी पर्ची से फिर चुनाव लड़ा जाता है। शुभंकर,